अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं कैमरॉन हाउस, जो कि लॉक लोमोंड के अंदर है। लॉक लोमोंड एक काउंटी है ग्लासगो की। कैमरॉन हाउस की आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा व्यू ज़रा दिखा दें। यहाँ पर ये एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस के बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो आगे जाएंगे और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो ये बाहर का थोड़ा व्यू है और सामने माउंटेन्स हैं और ये मेन रोड है और इस तरफ से हम लोग आते हैं। तो अभी ये वाली एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस से हम लोग अंदर जाएंगे। कैमरॉन हाउस के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और सामने ही एंट्रेंस के बाद हमें एक रिवर साइड मिलती है, जो कि बहुत खूबसूरत है कि किस तरह से वाटर वेव जो हैं वो खुदा की कुदरत को दिखा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रिलैक्सेशन का यहाँ पे एक नज़ारा है। और ये सामने बोट्स खड़ी हुई हैं, वाटर बोट्स। अभी इनके करीब जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। तो वो सामने माउंटेन है। रिसेंटली मैं आया था तब यहाँ पे स्नोफॉल भी थी इन माउंटेन्स के ऊपर, लेकिन अभी समर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो स्नो जो है वो पिघल चुकी है। ये पीछे शायद आपको नज़र आ रहा हो कि लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कैंपिंग की हुई है लोगों ने, कुकिंग कर रहे हैं लोग, अपना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। और बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट है देखने को, बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और हमारे हाथ जो हैं वो ठहर चुके हैं ऑलमोस्ट। आग को जलता हुआ देख के मैं रह नहीं सका, मैं बस थोड़े हाथ सेक लिए। यहाँ पर ये स्मॉल कॉटेजेस बने हुए हैं और यहाँ पे विजिटर्स जब आते हैं तो किसी ने अगर स्टे करना होता है और वो यहाँ पे स्टे अपना कर सकते हैं। और इनका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर गोल्फ खेलने की एक्टिविटी भी मौजूद है। ये सामने आप खुदा की नेचर के नज़ारे कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। ट्रीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, सनलाइट है आज बहुत ही खूबसूरत, और साथ ही रिवर साइड है। एक ही जगह पे आपको, जिस तरह वो लिखा हुआ है ना, एक ही आसमान के तले आपको सब कुछ मिलता है, तो इसी तरह एक ही छत के तले आपको इतने सारे नज़ारे करने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा टूर। ये सारा प्ले एरिया गोल्फ़ का और यहाँ पे लोग कुछ नज़र आए हैं हमें गोल्फ़ खेलते हुए। बहुत ही सुकून की जगह है, खुदा ताला की माशाल्लाह बहुत बड़ी नेमत है ये। इन्होंने जिस तरह से इसको मेंटेन किया हुआ है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ किया हुआ है। यहाँ पे द बोट हाउस है लॉक लोमोंड के अंदर और यहाँ पर आपको बैक साइड पर विज़िट करवाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोट्स खड़ी हुई हैं, ये प्राइवेट बोट्स हैं बेसिकली, लोगों ने अपनी यहाँ पे प्राइवेट बोट्स जो हैं वो रखी हुई हैं। ये सामने आपको बोट्स नज़र आ रही हैं। सो बेसिकली ये बोट्स प्राइवेट हैं, ये पब्लिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपने बोट्स जो हैं वो खड़ी की हुई हैं और जब इनको टाइम मिलता है लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनी बोट्स निकालते हैं और यूज़ करते हैं। ये सामने जो आपको कैसल नज़र आ रहा है, बेसिकली ये बैलक कैसल है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी इसका जो क्लोजिंग टाइम है, इस वजह से अब हम वहाँ पे तो नहीं जा सकते, और यहाँ से तकरीबन हाफ एन आवर की जो वॉकिंग डिस्टेंस है। सो अभी इसको फिर कभी प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ से इसका जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। तो अभी एक ये चेस का जो है वो बना हुआ है, मार्बल लगा हुआ है उसके ऊपर, ये चेस के जो भी इनको कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस गेम, तो रानी और बादशाह या जो भी इनके नेम्स होते हैं। सो यहाँ पे ये भी गेम खेली जाती है, यहाँ पे ये पड़े हुए हैं। सो साथ ही रिवर साइड है, तो कितना अच्छा लगता होगा जो यहाँ पे ये प्लेयर्स खेलते होंगे आके गेम। सो ये वो जहाज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि एयर के अंदर भी फ्लाई करता है और वाटर के ऊपर भी। और अभी ये आई थिंक प्राइवेट है, क्योंकि ये हर आदमी की एक्सेस नहीं है इसके ऊपर।
सो फाइनली हम कैमरॉन हाउस के बाहर पहुंच चुके हैं और ये कैमरॉन हाउस की जो आउटसाइड है वो आपको सामने नज़र आ रही है। मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे एंट्रेंस है और उसके बाद एंट्रेंस के बाद आपको ये सामने ये साइड नज़र आ रही है। इस साइड पे आगे स्विमिंग पूल है, ये एक नई बिल्डिंग बन रही है। इसी तरह ये सारा बाहर का व्यू है और ये एक दरख्त है यहाँ पे, ये बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल इसके सामने वो जहाज़ जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इस तरह से ये सारा बाहर का व्यू है। और अभी अंदर हम लोग जाते हैं इंशाल्लाह, तो अंदर का आपको सारा व्यू दिखाते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ कैमरॉन हाउस और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ रिसेप्शन के लिए खड़े हुए। अपस्टेयर्स हैं, अपस्टेयर्स के बाद ऊपर रूम्स वगैरह हैं, जो अगर आप यहाँ पे स्टे वगैरह करना चाहते हैं तो आप स्टे कर सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा शॉपिंग एरिया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं सेल करने के लिए, कुछ ज्वेलरी रेलिवेंट और कुछ वार्डरोब्स वगैरह एक्सेट्रा। तो जो कुछ भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी मैं कैमरॉन हाउस के अंदर मौजूद जो बार है उसकी आउटसाइड पे खड़ा हुआ हूँ, और ये वाला एरिया जो है ये आउटसाइड है। अगर आपने ओपन एनवायरनमेंट में बैठना है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और अपनी कॉफ़ी टी एनीथिंग जो भी आपने यहाँ पे लेना है वो लेके बैठ सकते हैं। और इसका ये आउटसाइड व्यू और ये साथ ही इनसाइड है। सो दिस इज़ दैट व्यू। यहाँ पर एक जिम है और जिम के अंदर एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह। डिफरेंट काइंड्स की मशीन्स पड़ी हुई हैं, हर कोई अपनी एक्टिविटी में मसरूफ़ है। सो देर इज़ अनदर बार इन कैमरॉन हाउस और इसके अंदर कुछ गेम एक्टिविटीज़ भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और लेट्स गो टू द इनसाइड। तो बॉयज़ आर हैविंग फन, स्नोकर खेल रहे हैं। इसके अलावा ये गेम है जिसको हम 100 कार्ड बडामो वाली गेम कहते हैं, और इसका मैं थोड़ा एक्सपर्ट भी हूँ। अभी मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, सो यहाँ पे ये भी खेली जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक बार है। अभी हम लाउंज में बैठ चुके हैं और मेन्यू आ चुका है, सो लेट्स सी क्या डिसाइड होता है, क्या खाते हैं। और जो भी डिसाइड हो खा के उसके बाद वापसी का रुख इख्तियार करते हैं, और इंशाल्लाह एक घंटे का सफ़र है फिर वापस पहुंच जाएंगे। तो वी जस्ट ऑर्डर्ड आवर टी, और टी के साथ कुछ नट्स हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह हैं। इसके अंदर कहवा है और कहवे को हम थोड़ा स्टीर कर लेंगे, तो
उसके बाद मिल्क पड़ा है, मिल्क भी ऐड करेंगे, उसके बाद शुगर है, तो ये वाइट शुगर है, साथ ब्राउन शुगर है, और ये हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क। सो चाय तैयार हो चुकी है। सो आज का व्लॉग अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।